क्या फेमिनिज्म एज अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आपको लगता है कि थोड़ा कोर इश्यू से डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर लोग इसे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं? हैं जी, हर इश्यू इज केपेबल ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, और हर मूवमेंट के फ्रिंज एलिमेंट्स और काउंटर व्यू होते हैं, लेकिन हमें उस काउंटर व्यू और फ्रिंज व्यू को दिमाग में तो रखना चाहिए, बट दैट शुड नॉट स्टील द लाइमलाइट। देयर इज आज हम ये कह नहीं सकते कि हमें इस मूवमेंट की जरूरत खत्म हो गई है, या तो हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में भी आज फेमिनिस्ट मूवमेंट की जरूरत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी दुनिया की पब्लिक स्पेसेस महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है इतनी जितना पुरुषों के लिए है। आज भी वर्क प्लेस में जो हैरेसमेंट, मी टू के जो मूवमेंट हमने दुनिया भर में देखे, ये दिस वॉज नॉट इंडिया स्पेसिफिक मैं जी, आज भी हिंदुस्तान के हार्टलैंड में देखे, डाउरी की जो एक प्रॉब्लम है वो हमारे देश की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो डाउरी भी आज भी हमारे देश की हार्टलैंड्स में, गांवों में, शहरों में डॉटर इन लॉज रसोइयों में जल रही हैं, और वो जलने वाली कभी मदर इन लॉज नहीं होती, वो जलने वाली हमेशा डॉटर इन लॉज होती है। तो जरूरत खत्म तब होगी जब इक्वल भागीदारी, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्योंकि आधी जनसंख्या है, जब आधी जनसंख्या है तो आधा समाज में हर एरिया में प्रभुत्व होना जरूरी है। जब वो हो जाएगा तब हम देखेंगे कि फिर इस मूवमेंट की जरूरत खत्म हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि हो सकता है रेप की डेफिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन, ये भी जेंडर न्यूट्रल हो जाए।